2014 से लेकर 2022 में पूरी दुनिया में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भारत का सम्मान बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज दुनिया में कोई भी समस्या हो, जब तक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान नहीं आता, दुनिया कभी भी समस्या पर अपना विचार तय नहीं करती। और ये दिन देखने के लिए ही तो लाखों लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया था। एक ऐसे भारत की रचना जो आत्मनिर्भर हो, एक ऐसे भारत की रचना जो अपने अतीत पर गौरव करता हो, एक ऐसे भारत की रचना जो अपने भविष्य के लिए न केवल आश्वस्त हो, अपने भविष्य की रूपरेखा वो भारत के युवा के दिमाग में स्पष्ट हो, इंगित। ऐसे भारत की रचना, नए भारत की रचना मोदी जी के सामने हो रही है, मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है, मोदी जी की नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आज न्यूज पर। तो जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। क्या छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाएगी या फिर कांग्रेस की सरकार ही बनी रहेगी? तो जी दोस्तों, एक एक करके बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। क्या छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में भाजपा आएगी या फिर कांग्रेस या कोई और पार्टी यहाँ पर बना देगी सरकार? एक एक करके बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। क्या कहती है छत्तीसगढ़ की जनता? कवर्धा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में दोनों सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बस्तर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। छत्तीसगढ़ की 90 में से 5 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर 5 में से 4 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। कोरबा की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी। कोरिया की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस, 1 पर अन्य पार्टियां। का भी हो सकती है छत्तीसगढ़ के 90 में से 12 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, 12 में से 8 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 3 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, 1 विधानसभा सीट पर अन्य पार्टी। का भी हो सकती है जसपुर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। जागीर चंपा की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी को 2, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जीतने का मौका मिल सकता है। छत्तीसगढ़ के 90 में से 21 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो 21 में से बीजेपी खाते में 13 सीट, कांग्रेस पार्टी को 6 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों बात कर लेते हैं दंतेवाड़ा की, दंतेवाड़ा में 1 विधानसभा सीट है, 1 विधानसभा सीट पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बाजी मार सकती है, तो वहीं भाजपा यहाँ पर 0 सीट पर सिमट कर रह सकती है, तो अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट है। दुर्ग की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से यहाँ पर 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर यानी कि 3-3 यानी कि 50% पर यानी कि 3-3 सीटें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत सकती है, तो अन्य के हाथ यहाँ पर 0 सीट आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 28 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर 28 में से बीजेपी को 16, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 10, अन्य पार्टी को 2 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों बात कर लेते हैं धमतरी की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बिलासपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, तो वहीं 3 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, तो अन्य पार्टी को हमारा 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 38 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी जबरदस्त सीटों के साथ 22 सीटें ला रही है, तो यहाँ पर 38 में से 22 सीटें अपने आप में काफी अच्छी प्रदर्शन कर सकती हैं। बीजेपी कांग्रेस पार्टी को 14 सीट, अन्य पार्टी को 2 विधानसभा सीटें अपने पाले में करने में
संभव हो सकती है। तो वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं बस्तर की। बस्तर में 3 विधानसभा सीट है, 3 में से यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी, तो 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है। महासमुंद की 4 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 4 में से बीजेपी के हाथ लग सकती है 2 सीटें, तो कांग्रेस के हाथ आ सकती है 2 विधानसभा सीटें। तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। यानी कि बात करें तो छत्तीसगढ़ में 90 में से 45 यानी कि आधी सीटों का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं, यानी कि जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर सकती है 25 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी को हाथ लग सकती है 18 सीट, यानी कि 18 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ सकता है कांग्रेस पार्टी को। यहाँ पर बीजेपी अच्छी खासी लीड के साथ 25 सीटें जीत रही है, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं राजनांदगांव की। 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी, तो 2 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल रही है। रायगढ़ की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 में पर बीजेपी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। यानी कि बात की जाए तो रायगढ़ में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। 90 में से 56 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 31 सीटें, 22 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिल रही है। रायगढ़ की यानी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात करें तो रायपुर में 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 3 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। सरगुजा की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 2 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। छत्तीसगढ़ के 90 में से 67 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 67 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत सकती है 36 विधानसभा सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 27 सीटें, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। तो जो दोस्तों बात कर लेते हैं बालोदा बाजार की। 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी। बालोदा बाजार की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट। छत्तीसगढ़ के 90 में से 73 यानी कि 73 सीटों का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं, यानी कि जनता की राय पेश कर दी है आपके समक्ष, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 41, कांग्रेस पार्टी को 29, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिल रही है। मुंगेली की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से बीजेपी खाते में 1, तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट। बेमतरा की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 2 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। तो यहाँ बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। 90 में से 78 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे थे, यहाँ पर बीजेपी खाते में 43 सीटें, यानी कि जीत के बहुत करीब भारतीय जनता पार्टी, तो वही कांग्रेस यहाँ पर 32 सीटों पर संतुष्ट हो सकती है, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिल रही है। वही बात कर लेते हैं सूरजपुर की। 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी, तो 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट है। गरियाबंद की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, तो अन्य पार्टी को 0-0 सीट मिल रही है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। 90 में से 81 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर 45 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी का 33, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल रही है। सुकमा की 1 विधानसभा सीट है, 1 ही सीट पर कांग्रेस पार्टी का भी हो सकती है बीजेपी के हाथ 0, अन्य पार्टी को भी 0 सीट है। बलरामपुर की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी। तो वही बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के। 90 में से 86 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर 46 सीटों पर बीजेपी, 36 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिल रही है। बात कर लेते हैं कोड़गांव की। 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी, तो 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी। नारायणपुर की 1 विधानसभा सीट है, 1 ही विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, तो बीजेपी के हाथ लग सकती है 0, अन्य पार्टी को 0-0 सीट। छत्तीसगढ़ की 90 में से 89 सीटों का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी के हाथ में 48, तो 38 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 3 विधानसभा सीट पर अन्य पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है। बीजापुर की 1 विधानसभा सीट है, 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी। छत्तीसगढ़ की 90 में से सभी 90 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सकती है 2023 में, तो 38 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 3 विधानसभा सीट पर अन्य पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर सकती है अच्छी खासी लीड के साथ 49 सीटें। तो यहाँ पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।